सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और एक घंटा वाला बटन जरूर दबाइए जिससे आप मेरे आने वाली नई वीडियो को देख सकें। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके मोबाइल पर जितना सारा कॉल आएगा सारे के सारे कॉल पर अलग अलग रिंगटोन बजेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है रेंडम टोन। तो दोस्तों आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर आप इसको वहाँ से डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से परमिशन दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब आपको नीचे एक प्लस का बटन दिख रहा होगा तो आपको सिंपली इस पर टच कर देना है और यहाँ से आपको एक प्लेलिस्ट बनाना होगा। तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एस कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं एंड्रॉयड नाम से एक प्लेलिस्ट बना लिया। अब आपको फिर प्लस के बटन पर क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद आपको ऐड फोल्डर पे क्लिक कर देना है। अब आपका गाना जिस फोल्डर में है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं शेयर इट में कुछ गाना रखा हूँ तो ऑडियो फाइल में है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपको नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट डायरेक्टरी, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका गाना यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बैक चले जाना है, ठीक है। बैक जाने के बाद दोस्तों अगर आप कोई टाइम सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आप जो टाइम सेट करेंगे उसी टाइम पे रिंगटोन बजेगा। अब दोस्तों मैं सबसे पहले वाले नंबर पे आ जाता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको कॉल की सेटिंग को ऑन कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमको हर कॉल पे अलग अलग रिंगटोन चाहिए। अब दोस्तों आपको नो प्ले लिस्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं नॉट नाउ कर देता हूँ। तो दोस्तों पूरी सेटिंग हो चुकी है, तो चलिए हम थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं कि अलग अलग रिंगटोन बजती है कि नहीं बजती है। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।